बिजली की कीमतें कम होंगी, वज़ीर-ए-आला सिंध ने खुशखबरी सुना दी। मुराद अली शाह बोले, 5 IPP से मुआहदे खत्म हो चुके। कंपनी से मुआहदे 1994 में हुए थे। बिजली की कीमतों में कमी होगी, सरप्लस पावर को इस्तेमाल किया जाए। इंडस्ट्री को रियायती निरहों पर बिजली मिलेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। तफसीलात काविश मेमन से जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें इस हवाले से IPPs का जो मामला है, बिजनेस कम्युनिटी, ताजिर बिरादरी और जो सियासी जमातें हैं वो सरापा एहतजाज थी, लेकिन अब इस हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि वफाकी काबीना ने 5 IPPs की जो कंपनी है उनके साथ मुआहदे खत्म करने की मंजूरी दे दी है। तो आज इस हवाले से जब मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में करते हुए कहा, जब उन्होंने उनके सामने सवाल रखा कि सर IPPs का जो मामला है, इस हवाले से 5 कंपनीज ने जो है वो उनसे मुआहदे खत्म हो चुके हैं, तो क्या बिजली की कीमतों पर इस वक्त इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उन्होंने खुशखबरी सुनाई है सार्फीन को, जो पिछले कई अरसे से महंगी बिजली का बोझ बर्दाश्त कर रहे थे, चाहे वो इंडस्ट्री के सार्फीन हो, डोमेस्टिक कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल सार्फीन हो। अब उनका ये कहना है कि जो 5 IPPs थे उनके साथ मुआहदे खत्म हो चुके हैं। ये वो कंपनीज थी जिनके साथ मुआहदे 1994 में हुए थे। उन्होंने कहा कि IPPs को हम कैपेसिटी चार्जेस की मद में पैसे अदा कर रहे थे, लेकिन अब ये अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं तो इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा और बिजली की कीमतें कम होंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडस्ट्री को रियायती निरखों पर बिजली मिलेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, साथ ही साथ रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। तो अब यकीनन जो सूबाई सतह पर हुकूमत हैं वो भी इस हवाले से इसको खुशाइंद करार दे रही हैं, और वफाकी हुकूमत के इस इकदाम को जब यकीनन काबीना ने मंजूरी दी है कैबिनेट के जो मंजूरी के बाद, इस हवाले से देख रहे हैं कि जो चीज़ें सामने आई हैं, सियासी जमातें भी एहतजाज कर रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी का भी वाजह मुतालबा था कि IPPs के साथ मुआहदे खत्म किए जाएँ, जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में हम अरबों रुपए इन कंपनीज को अदा कर रहे हैं जो बिजली पैदा भी नहीं करती। तो इस हवाले से अच्छी खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। जी काविश मेमन, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से वज़ीर आला मुराद अली शाह का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। कि 5 जो कंपनीज है, जो 1994 का था, जिसको 30 साल गुजर चुके हैं, तकरीबन 30 साल का होता है इनका या 25 साल का कंसेशन एग्रीमेंट का, तकरीबन ख़त्म हो चुका है। एक किसी के साल दो साल बाकी थे तो वो टर्मिनेट करने के लिए उन्होंने एग्री कर लिया। उससे थोड़ी सी कीमत कम होगी इसलिए कि उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स हम दे रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में इसका हल, अभी मैंने थोड़ा सा जिक्र भी किया था, वो चीज़ रहना बल्कि कहना होगी, हमारे पास जो सरप्लस पावर है उसको हमें यूटिलाइज़ करने के लिए कुछ काम करना। और मैंने उसी खबर में पढ़ा है कि शायद ऐसी भी कोई बात चल रही है, जो हमने सिंध हुकूमत ने काफ़ी पहले तजवीज़ दी थी कि जो आपका सरप्लस पावर है उसके कैपेसिटी पेमेंट्स आप दे रहे हैं, उसको पावर को यूटिलाइज़ करने के लिए सिर्फ आपको फॉर एग्जांपल फ्यूल की ज़रूरत है, तो आप उसको कंसेशनल रेट्स पे उन इंडस्ट्रीज़ को दें जो इंडस्ट्रीज़ अपना एक जो होती है क्या कहते हैं 8 घंटे तो कम से कम काम कर रही है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा करना चाहे तो लोगों को एम्प्लॉय करें, तो उनको आप कंसेशनल रेट पे पावर दे सकते हैं ताकि आपकी प्रोडक्शन बढ़े, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और मैंने सुना है कि विंटर के लिए ये शायद कर रहे हैं। तो है कुछ और इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर IMF की जो कंडीशनलिटीज़ हैं जिसपे हमें थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस हैं, और हम उन पर उनसे बातचीत कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला वही चीज़ करेंगे जो इस मुल्क के